हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जो भी मैं न्यू रेसिपी डालूं। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मथुरा का पेड़ा, जो कि बहुत ही फेमस है और ये पूरे भारत सभी जगह पसंद किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। और इसको अभी क्या है कि हम बाहर की मिठाइयाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सही नहीं है हमारे लिए। तो जो भी है हम घर पर बनाएं और खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आज आपके लिए ये मथुरा का पेड़ा लेके आई हूँ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन पे आप बाहर से मिठाई नहीं लें, घर पे ही बनाएं। तो फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन आप ये मथुरा का पेड़ा ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे मैंने बनाया। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 15। मथुरा का पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, और 1 kg मिल्क लिया है मैंने। 1 kg मिल्क का बनाया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा मिल्क कर सकते हैं। आप 1 kg मिल्क में लगभग 15 के आसपास पेड़े बने थे, आप उसी हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। और इस तरह से हमें कंटिन्यू हमको इसको हिलाना है जब तक कि अच्छे से बॉयल नहीं आ जाए, और इसके अंदर जो भी मलाई आती जाएगी उसको साइड से हम उसको खुरच के अंदर करते जाएंगे इस तरह से, और अगर ताकि वो पीछे की साइड में लगे नहीं ऊपर की साइड में। तो इस तरह से हमें हिलाते हुए करना है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से हो जाता है। और सबसे पहले हम इसके लिए मावा जैसा रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ और इसको हिलाती जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मावा रेडी करना होता है। जब मावा रेडी हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं, पेड़ा बनाने के प्रोसेस में। तो अभी देख सकते हैं आप, काफ़ी थिक हो गया है और हमने इसको कितना अच्छे से कर लिया है। और उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे ये मावा बनता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, परफेक्ट अभी मावा के शेप आने लगा है देखिए, और ये काफ़ी थिक हो गया है। पर थोड़ा सा अभी और हमें करना है, इतना नहीं छोड़ना है, ये तो कच्चा है अभी। थोड़ा और भुनने के बाद ये एकदम मावा जैसा हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट मावा रेडी हो गया है। अब मावा को हम नॉर्मल टेम्परेचर का आने देंगे, उसके बाद फिर से हमें नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसके अंदर घी ऐड करना है, और 2 चम्मच या 1 चम्मच आप घी ऐड कीजिए और फिर उसको लगातार भूनते जाइए, लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना है। और हम इसमें बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको ये पेड़ा बनाना बताएंगे, ताकि आपका पेड़ा एकदम परफेक्ट बने। शुरू हो जाता है तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 2 चम्मच घी डालना है, और इस तरह से करके हम यहाँ पे इसको अच्छे से घी को मिला लेंगे। और हमें इसको खोया को अच्छे से भूनना है, काफ़ी देर तक भूनना है। तो इसमें आप 1 से 2, 3, 4 चम्मच जितना भी आपको लगे कि हाँ चाहिए उतना घी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे से ये मैश भी हो रहा है और घी भी छोड़ रहा है। इसकी पहचान होने की यही है कि जब जितना हम घी डाले हैं और वो फिर छोड़ दे, तो मीन्स कि हमारा जो है मावा रेडी हो चुका है और पेड़ा बनाने के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि आगे एकदम घी छोड़ देगा, तब आप समझिए कि ये हो गया। और साइड से जो भी है थोड़ा चिपका है उसको भी आप घी डालने के बाद इसको छुड़ा सकते हैं और इसके अंदर कर सकते हैं, तो इस तरह से। तो अभी आप देखिए, अब मैं कोई घी नहीं डालूंगी और यहाँ पे अब ये चिपकना भी नहीं रहा है, और उसके बाद इस पे घी छोड़ देगा ये जितना भी हमने इसमें ऐड किया है। तो अभी इसी तरह से भूनते जाएंगे, और जब हमारा ये छोड़ देगा घी, तभी समझ लेंगे कि ये परफेक्ट रेडी हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं छोड़ने लगा है, तो तली भी छोड़ दिया है, घी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे देखिए एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है इसका जो मटेरियल है। और उसके बाद हम फिर गैस बंद कर देंगे। तो अभी एकदम अच्छे से हो चुका है, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जो घी हमने डाला था वो घी इसने छोड़ दिया है। और उसके बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर का कर देंगे। और उसके बाद एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है,
और इसको मैंने ठंडा कर लिया, आप देख सकते हैं ठंडा हो गया। मैं हाथों की हेल्प से इसको मसल रही हूँ। इस स्टेज पे हमें हाथों की हेल्प से थोड़े अच्छे से मसल लेना है ताकि इसके जो भी थोड़ी सी गुठली हो, कुछ भी हो, वो अच्छे से हो जाए। और उसके बाद देख सकते हैं आप, एकदम अच्छा सा स्मूथ सा हो जाएगा। और फिर हम इसके अंदर मिलाएंगे बूरा। बूरा मिलाने से अच्छा रहता है, अगर बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये मुट्ठी बंद रही है मिंट्स की, अभी अच्छा है। और अगर आपको इस स्टेज पर ड्राई लगे तो आपको क्या करना है, एक दो चम्मच घी डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप गर्म पानी करके एक दो चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा ड्राई हो रहा है और आपके पेड़े नहीं बन रहे हैं तो आपको ये काम करना है। अगर बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा ड्राई मुझे लग रहा है तो ये मैंने एक चम्मच घी लिया है और ये पिघला हुआ घी डालना है हमें। और उसके बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एकदम अच्छे से बाइंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको अच्छे से मसल लिया है, एकदम स्मूथ भी हो गया है। और फिर उसके बाद हम मुट्ठी बना के देख लेंगे, अगर बंद रही है, वो खुल नहीं रही है, मींस कि हमारा परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए, तो देखिए ये एकदम बंद रहा है अच्छे से। और फिर हम इसको लड्डू बनाएँगे तो ये परफेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो है मैंने इलायची पाउडर भी डाला था, वो मिस हो गया था स्लाइड, तो आप पीस के इसमें इलायची पाउडर भी डालें, उससे क्या है कि खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से हम एक एक पेड़ा लेंगे, बनाएंगे और उसको शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं एक बार उसको रोल कर लीजिए और उसके बाद दोनों साइड से आप थोड़ा थोड़ा हाथों से दबा के और इस तरह से पेड़े का शेप दे दीजिए, कितना अच्छा सा शेप आ रहा है आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट बना है। तो इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे और इसी तरह से, और ये बहुत आसान है और बहुत इजी बन जाता है। और आप इसको बनाने के बाद आप 10 से 15 दिन आराम से रख सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये एकदम भुना हुआ है। एक मैं आपको इस तरह से तोड़ के भी दिखाती हूँ, आप बड़ी मुट्ठी बना के एक बार में दो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया कितना सॉफ्ट है। और इस तरह से आप पेड़ों को बना सकते हैं और देखिए बहुत ही अच्छे तरह से। उसके बाद हम इस तरह से दबा देंगे तो आप चाहें तो इस तरह का भी चिपटा शेप भी दे सकते हैं और इसको इस तरह से साइड से करके आप इस तरह का पेड़ जैसा थोड़ा सा शेप भी दे सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसा करना है, आप लड्डू शेप में रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से ये पेड़े हम तैयार कर लेंगे और बहुत ईजिली तैयार हो जाते हैं। और ये मैंने जो बूरा है वो लिया है, उसके अंदर बूरा और खांड भी बोलते हैं इसको, और उसके अंदर हमें इसे लपेट देना चाहिए ताकि इससे क्या है कि अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया है रेडी, तो यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पेड़े बने हैं, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो आप इस पेड़े को इस रक्षाबंधन बनाइए, खाइए और खिलाइए और बताइए सबको कैसा लगा। तो फिर मैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।